हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर किड्स। हैव अ वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। एंड दिस इज़ अवर जीए क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रोड सेफ्टी रूल्स। रोड सेफ्टी रूल्स मीन्स जब हम कहीं पे जाते हैं या रोड क्रॉस करते हैं तो उस टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में आज हम लर्न करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, फर्स्ट है वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें हमेशा कहाँ पे वॉक करनी चाहिए? ये देखो, फुटपाथ पर। ये इस टाइप से रोड के साइड में फुटपाथ होता है ना, तो वहाँ पे वॉक करनी चाहिए। अगर आपके पास व्हीकल है तो मेन रोड से जा सकते हो, बट विदाउट व्हीकल आपको इस टाइप से फुटपाथ पर वॉक करनी है। ओके, तो फर्स्ट है वॉक ऑन द फुटपाथ। ओके, एंड ये देखो, क्रॉस द रोड एट आ जेब्रा क्रॉसिंग ओनली। वैन यू वॉन्ट टू क्रॉस द रोड दैट टाइम आपको कहाँ से क्रॉस करनी है? जेब्रा क्रॉसिंग से। ये देखो, रोड पे इस टाइप से होती है ना, ब्लैक एंड वाइट, अलग से जगह होती है, तो वहाँ से क्या करना है आपको? रोड को क्रॉस करना है। ठीक है, तो रोड क्रॉस करने के लिए क्या होती है? जेब्रा क्रॉसिंग। क्या होती है? जेब्रा क्रॉसिंग। तो वहाँ से आपको क्या करनी है? रोड को क्रॉस करना है। ये इस टाइप से दिख रही है ना, ये है, इसको कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। से विथ मी, जेब्रा क्रॉसिंग। एंड ये देखो, व्हेन यू वांट टू क्रॉस द रोड दैट टाइम लुक टू योर लेफ्ट एंड देन राइट, एंड फिर क्या करना है? फिर होल्ड एन एल्डर्स हैंड वाइल क्रॉसिंग द रोड। जब आप रोड क्रॉस करते हो तो उस टाइम आपको पहले लेफ्ट देखना है, फिर राइट देखना है, फिर क्या करना है? फिर अपने एल्डर्स का हैंड होल्ड करना है और फिर इस टाइप से रोड क्रॉस करनी है। ये क्या है? ये तो जेब्रा क्रॉसिंग है। एंड जब रोड क्रॉस करते हैं तो क्या ध्यान रखना है? पहले लेफ्ट देखना है, फिर राइट देखना है, अगर कोई व्हीकल आ रहा होगा तो स्टॉप हो जाना है, और फिर अपने एल्डर्स का हैंड होल्ड करना है, और उसके बाद जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करनी है। ठीक है, तो ये थर्ड सेफ्टी रूल कौन सा है? जब रोड क्रॉस करते हैं तो लेफ्ट राइट देख के बड़ों का हाथ पकड़ के रोड को क्रॉस करना है। ठीक है, डू नॉट रन बिहाइंड अ व्हीकल। आपको इस टाइप से व्हीकल के पीछे कभी भी रन नहीं करना है। इससे पता है क्या हो सकता है? इससे एक्सीडेंट भी हो सकता है, आपको लग सकती है, चोट लग सकती है, तो फिर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, तो इससे बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए कभी भी व्हीकल्स के पीछे रन नहीं करना है। डू नॉट रन बिहाइंड अ व्हीकल। एंड ये देखो, ये है डू नॉट हाइड बिहाइंड व्हीकल्स। इस टाइप से जब आप लोग हाइड एंड सीक खेलते हो ना, तो इस टाइप से आपको कभी भी व्हीकल्स के पीछे नहीं छिपना है। हाइड मीन्स छुपना। तो ये लोग देखो छुप गए हैं ना व्हीकल्स के पीछे, तो ये तो गलत है ना, ये तो रोड सेफ्टी रूल्स के अगेंस्ट है। तो इसलिए आपको क्या करना है? इस टाइप से व्हीकल्स के पीछे नहीं छुपना है। ठीक है, एंड ये देखो, डू नॉट प्ले ऑन द रोड। इस टाइप से आपको कभी भी रोड पर प्ले नहीं करना है। प्ले करने के लिए ग्राउंड होता है, घर में प्ले कर सकते हो, बट इस टाइप से रोड पर कभी भी प्ले नहीं करना चाहिए। इससे पता है क्या हो सकता है? इससे ये देखो, रोड पर तो व्हीकल्स चलते हैं ना, एंड ये व्हीकल्स आपको चोट पहुंचा सकते हैं, इसलिए कभी भी रोड पर प्ले नहीं करना है। ठीक है, डू नॉट प्ले ऑन द रोड। ओके, एंड ये देखो, वियर अ सीट बेल्ट वाइल ट्रेवलिंग इन अ कार। जब कभी भी आप कार में ट्रेवल करते हो तो इस टाइप से क्या करना है? इस टाइप से सीट बेल्ट पहन के रखना है। ये देखो, इन लोगों ने सीट बेल्ट पहने हैं ना, एंड इसी तरह से जब आप भी ट्रेवल करते हो तो आपको क्या पहनना है? सीट बेल्ट पहन के रखना है। ठीक है, तो वेयर अ सीट बेल्ट वाइल ट्रेवलिंग इन अ कार। ओके, एंड ये देखो, ये लास्ट सेफ्टी रूल में क्या है? डू नॉट स्टिक योर हेड और हैंड आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल। ये इस टाइप से जब कभी भी आप कार में ट्रैवलिंग करते हो तो इस टाइप से देखो, इस टाइप से आपको अपना हेड बाहर नहीं निकालना है और अपना हैंड भी बाहर नहीं निकालना है। ठीक है, ये भी सेफ्टी रूल के खिलाफ होता है। इस टाइप से पता है, इस टाइप से ये
आपके बगल से कार आ सकती है, ट्रक आ सकता है, जिससे आपका हैंड खराब हो सकता है, उसमें चोट लग सकती है, टूट भी सकता है। और ये देखो, ये हेड भी बाहर निकाले हैं ना, ये तो बैड मैनर्स कर रहा है ना। इस टाइप से कभी भी हेड भी बाहर नहीं निकालना है, ठीक है, क्योंकि इससे आपको ही नुकसान होगा। तो ये सभी क्या हैं, ये तो हमारे सेफ्टी रूल्स हैं जिनको आपको आप अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो करना है, ठीक है। आप सभी करोगे ना फॉलो, आई नो आप सभी करोगे। तो इसी टाइप से आपको अपनी बुक में पिक्चर्स को देखना है और इनको रिवाइज करना है, ठीक है। बाय, हैव अ गुड डे।